नमस्कार दोस्तों, मैं तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यूपी नीट काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें बिना स्किप के, जिससे कि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं यूपी नीट काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। आप यूपी नीट काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यूपी नीट काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले आपको यूपी नीट काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे नोडल सेंटर फिल कराया जाएगा। नोडल सेंटर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी नोडल सेंटर आपके घर से पास पड़ता हो, आप उस नोडल सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। उस नोडल सेंटर पर ही आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पहले नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे, लेकिन पिछले साल से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नोडल सेंटर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल लास्ट ईयर से नोडल सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 30,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और जो सिर्फ डेंटल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का DD बनवाया जाता था, जो कि UPDGME के नाम से बनाया जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से ये हो गया है कि अब आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है। आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अब ऑनलाइन हो गया है। यूपी नीट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर देते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे तो यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आप अनिवार्य नहीं रहेंगे, और उस राउंड में आपको फिर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और आप उस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। अलॉटमेंट रिजल्ट को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जो भी नोडल सेंटर आपको दिया जाता है अलॉटमेंट लेटर पर, उस पर आपको विजिट करना है, और उस वहाँ जाकर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराकर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। इसके साथ ही आपको ट्यूशन फीस की DD भी सबमिट करनी होती है, और बाकी बचे हुए चार्जेस आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करने होते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप फिर सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो सेकेंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं, तो आप अपग्रेडेशन के थ्रू जा सकते हैं। अपग्रेडेशन में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है सेकेंड राउंड में, बाकी आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को सेलेक्ट करके चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइसेस को लॉक करना है। उसके बाद जब अगर कोई भी कॉलेज आपको न्यू अलॉट हो जाता है, तो आपको उस कॉलेज में जाके दोबारा से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। और कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं होता है, तो आपका जो कॉलेज पहले फर्स्ट राउंड में मिला था, वही आपका मान्य रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो उस राउंड में उस मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। जो आपने 2 लाख की सिक्योरिटी मनी सबमिट की थी, वो जब्त कर ली जाएगी और आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करें, और चॉइस लॉक करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने वही कॉलेजेस फिल किए हैं जो आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जो कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसे नहीं लेते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो वो सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं। उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइसेस को लॉक भी करना है। और अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको उसमें अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, जैसे कि फर्स्ट राउंड में जो प्रक्रिया हुई है, वही आपको सेकेंड राउंड में करनी है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है,
तो इसलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले और चॉइस लॉक करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का कोई भी मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए सोच समझ कर सेकेंड राउंड में कॉलेजेस को फिल करें, जिससे कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिल सके। बाकी आप कोशिश यही करें कि आप फर्स्ट राउंड में बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को फिल करें, क्योंकि यूपी के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लगभग सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में ही सबसे कम जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप फर्स्ट राउंड में बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करें। कोशिश यही करें कि आप सबसे टॉप पर सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस को फिल करें, उसके बाद उससे कम मार्क्स पे, उसके बाद उसके कम, जिससे कि आपको अगर कट ऑफ लो भी जाती है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम मार्क्स में मिल सके। और अगर आप लो नीट स्कोर के कॉलेजेस फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख देंगे तो आपको वही कॉलेज पहले अलॉट हो जाएंगे। तो इसलिए सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम स्कोर पर मिल सके। चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे दी जिनमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपग्रेडेशन का मौका मिलता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपको एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सके। इसलिए फर्स्ट राउंड में ही कोशिश ये करें कि आप एक बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फिल करें। यूपी में फर्स्ट राउंड में ही लो कट ऑफ जाती है, उसके बाद कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंक्रीज होती रहती है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में ही बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को फिल करें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो मैंने भी अपलोड कर रखी है चैनल पे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग जाना चाहें तो आप उनके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सभी मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के वीडियो डाल रखी है, आप उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। वैसे कोशिश आप यही करें कि आप अपने अकॉर्डिंग जाएँ, क्योंकि 5.5 साल आपको उस मेडिकल कॉलेज में गुजारने हैं, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसी के बहकावे में ना आए जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरों के कहने पर कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज ले लिया और जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते थे उसको नहीं लिया और उसे फिल भी नहीं किया बाद में, लेकिन जब एडमिशन हो गया तो उन्हें बहुत ही पछताना पड़ रहा है। तो इसलिए आप भी सोच समझ कर मेडिकल कॉलेजेस को फिल करें, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े और आप अच्छा और एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बन सकें। 5.5 साल आप अपने अच्छे से गुजारें उस मेडिकल कॉलेज में। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो उसमें अपना एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट करा लेते हैं और उस मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर रिजाइन देना चाहते हैं तो वो कैसे रिजाइन दें, इसकी भी मैं डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आप इसको ध्यान से सुने कि आपको क्या प्रोसेस करना है। इसके लिए वैसे सभी स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद उसे रिजाइन देना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ ये करना है, जो भी नोडल सेंटर पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहाँ जाकर उन्हें कॉन्टेक्ट करना है और अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है। वहाँ पर आपसे एक फॉर्म फिल करा लिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी जो भी सिक्योरिटी अमाउंट और जो आपने ट्यूशन फीस सबमिट की है उसमें 50% डिटेक्शन के बाद आपको आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स पहले ही सोच समझ लें, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है और जो ट्यूशन फीस आपने सबमिट की है उसका 50% डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आप उस मेडिकल सीट को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर आप मेडिकल कॉलेजेस को सेलेक्ट करें। सेकेंड राउंड के बाद अगर आप कॉलेजेस को छोड़ना चाहते हैं और मॉप अप राउंड से पहले, तो भी आपको सेम प्रोसेस यही करना होगा और आपका भी 50% अमाउंट काट दिया जाएगा और 50% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर आप चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको बाद में ऐसा कोई भी कदम उठाना ना पड़े जिससे कि आपको एक साल भी ख़राब करना पड़े और आप अपना पैसा भी बर्बाद करें। फर्स्ट या सेकंड राउंड में किसी भी राउंड में आपको अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उस मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कंप्लीट करा लेते हैं या नहीं भी कराते हैं और आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो आप आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप आगे किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपका फिर साल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े और आपका साल भी ख़राब ना हो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो मॉप अप राउंड के बाद अपना मेडिकल कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्यूशन फीस सबमिट की है वो 100% डिडक्ट कर ली जाएगी। आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही वापस कर दिए जाएंगे और कोई भी फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो इसलिए सोच समझ कर आप ये फैसला लें, जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं और वो मॉप अप राउंड के लिए उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी वही रहेगी। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है मॉपअप राउंड के लिए, उसके बाद आप मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं और चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी कॉलेज जो आपको अलॉट हो जाता है फर्स्ट या सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में और आप उन्हें कॉलेजेस को छोड़ना चाहते हैं तो आपकी सारा जितना भी अमाउंट आपकी ट्यूशन फीस का है वो आपसे पूरा ले लिया जाएगा और आपको सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे। तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को लेना नहीं चाहते हैं, जो आप सिर्फ काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो चॉइसेस को फिल ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और अगर आप 2 लाख रुपए जब्त कराना चाहते हैं तो आप चॉइसेस को भी फिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में ये बता सकते हैं कि आगे आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।